तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो so, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारेन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और एजे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सीनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीयर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में मूवी ने नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का कैरेक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का कैरेक्टर निभाया है डेविड पाइटकाउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कार्पेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का करैक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का करैक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का करैक्टर निभाया है टीसी सी कारसन ने ओयोगीन डिक्स का करैक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल और डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर 6.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो so जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फूल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियॉट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेस पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए जे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली का करेक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए जे कोक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसॉन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियाट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारेन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और एजे कुक कोक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगीन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का एंड पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही टू थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रैस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेस पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल हॉर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो so, जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फूल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियॉट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेस पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक कोक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली का करेक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का करैक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसॉन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियाट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर था किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही टू थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारेन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और एजे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगीन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का एंड पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फूल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल हॉर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो so, जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फूल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियॉट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेस पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए जे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसॉन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियाट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही टू थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रैड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारेन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और एजे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगीन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का एंड पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही टू थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल हॉर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो so, जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फूल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियॉट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेस पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक कोक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली का करेक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी जो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़ी ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सोनेमाटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का कैरेक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का कैरेक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसॉन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2003 लीज में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2003 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए जहाँ नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रियाट गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जेफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया जाए। है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर हॉरर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज ही है टू में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी टू थाउजेंड थ्री में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही टू थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारेन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और एजे कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडेस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी किया है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूजिक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स क्रिक ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगीन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का एंड पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एड एक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो ज़रूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी सो तो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू थाउजेंट थ्री में रिलीज़ हुई फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही टू थाउजेंट थ्री में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना चाहते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको फ़ाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेगा फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने डेविड आर एलिस एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्टंट परफॉर्मर हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज उन्होंने बनाई हैं जैसे कि लेथल बैपन को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था पैट्रीओ गेम्स को भी उन्होंने बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का जे माइक ग्रबर ने एंड एरिक ब्रेस ने और इस मूवी की स्टोरी लिखी है जे माइकी ग्रबर ने एंड एरिक ब्रैस ने एंड जैफरे रेड्रिक ने और इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को प्रोड्यूस किया है वारन जाइड ने एंड क्रेज पैरी ने स्टारिंग की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े लीडिंग रोल में अली लार्टर देखने को मिल जाते हैं अली लार्टर जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं और ए कुक देखने को मिल जाएंगे माइकल लैंडस देखने को मिल जाएंगे एंड सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है गैरी कैपो ने और इस मूवी को एडिट किया है एरिक सीअर्स ने और म्यूज़िक किया है फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी का शिरले वॉकर ने और प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के जाइड पैरी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का थर्टी वन जनवरी टू थाउजेंड थ्री रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी मिनट्स और बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स हाउस कलेक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन टू तो मूवी में मूवी ने 90.9 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था क्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में एली लार्टर ने क्लियर रिवर्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एजे कुक ने किम्बरली बर्ली कॉरमैन का करैक्टर निभाया है माइकल लैंडस ने थॉमस बर्क का करैक्टर निभाया है डेविड पाइट काउ ने इवान लेविस का कैरेक्टर निभाया है जेम्स किर्क ने टिम कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है लाइंडा बॉयर्ड ने नूरा कारपेंटर का कैरेक्टर निभाया है केगन कॉनर ट्रेसी ने कैट जैनिंग्स का कैरेक्टर निभाया है जॉनथन चैरी ने रॉरी पीटर्स का कैरेक्टर निभाया है टीसी कारसन ने ओयोगिन डिक्स का कैरेक्टर निभाया है और जस्टिना मचाडो ने ऐसा बेला हुडसोन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है जॉनर की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी एक सुपर नेचुरल हॉर मूवी है जरूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको सुपर नेचुरल हॉर मूवी से देखना पसंद है और फाइनल डेस्टिनेशन एक पूरी मूवी की सीरीज़ ही है 2000 में फर्स्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन और उसका सीक्वल फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी पसंद है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पूरी मूवी की सीरीज आने वाली है काफ़ी अच्छा स्टोरी है इस मूवी में डेविड आर एलिस ने काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट भी किया है इस मूवी का और पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इस मूवी में एडेक्टर्स ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को बनाया है अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन भी इस मूवी ने किया था सो जरूर से आपको यह मूवी पसंद आएगी आई की रेटिंग की बात की जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन टू मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट टू आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है लगभग वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंट लोगों ने वोट्स किया है और इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी तो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना